समस्या है उनकी समीक्षा की है। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा अति विशिष्ट जनों के साथ रहेगी। एक एक लाइजन ऑफिसर रहेगा इसमें। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्तावों का शुभारंभ किया जाएगा। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का प्रस्ताव है। भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखो, मैं बताऊँ आपको कि 3 तारीख को जो कार्यक्रम है वो होना है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। उसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। मुख्यमंत्री आवास से लेकर के IGP तक पूरी तरीके से सड़कों से लेकर के गलियों तक को पूरी तरीके से साफ किया गया है। गोमती नदी के तट को साफ करने की व्यवस्था की गई थी। पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई है। जो गंदे नाले गिर रहे थे उनमें ग्रीन नेट लगा करके उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है। पूरे रास्ते भर में गमलों से सजाया गया है। तिरंगी लाइट से पूरी सड़कों के जो डिवाइडर्स हैं और लाइटें हैं उनको सजाया गया है। तो ग्राउंड सेरेमनी की जो कार्यक्रम की व्यवस्थाएं हैं और तैयारियां हैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई है। कल देर शाम CM ने खुद जाकर के IGP में सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। जिलाधिकारी लखनऊ समेत समस्त अधिकारी मौजूद थे। तो सब कहीं ना कहीं तैयारियों से पूरी तरीके से मुतमैन नजर आए UP के CM। और चूंकि देश के PM नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगना है तो इसमें कोई खामी न रहे उसको लेकर के CM ने खुद अधिकारियों को सारे निर्देश जारी किए हैं। तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब PM का हेलीकॉप्टर सीधे लामाटी के ग्राउंड पर उतरेगा और वहाँ से बाई रोड PM सीधे ग्राउंड सेरेमनी के IGP में पहुंचेंगे। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जो भी व्यक्ति इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। लखनऊ में